सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आज का पंचांग 6 मार्च 2024 दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि, सुबह 4:14 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 2:52 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:38 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार, काम अभी तनाव का स्रोत प्रतीत होगा, इसीलिए मित्रों के साथ इस मजेदार समय का आनंद लेकर फिक्र को हवा में उड़ा दें। किसी भी चीज के अधिकतम और फिजूल खर्च से बचें। आपके प्रेम जीवन और यौन संबंधों में उत्तेजना आपके लिए चीजों को रोशन कर देगी। आप में से कुछ लोग दबाव और उम्मीदों के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद लें, आराम करें, तनाव से बचें और इस तरह से आप अपने आप को जीवन के सुखों में शामिल कर सकते हैं। राजनीति व सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आप एक विशेष मुकाम हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित लाभ होने से प्रसन्नता रहेगी। घर में कुछ रखरखाव और परिवर्तन संबंधित योजनाएं भी बन सकती है। सरकारी काम से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखने की जरूरत है। किसी भी काम को आगे बढ़ाते समय सही मार्ग का चुनाव करना होगा। लोगों की संगत का असर आपके काम पर हो सकता है, नुकसान होने की संभावना बन रही है। सही लोगों का चुनाव करके उनके साथ वक्त बिताएं। करियर में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन्हें दूर करने का रास्ता मिलेगा और डेडिकेशन के साथ काम पर ध्यान दे पाएंगे। रिलेशनशिप संबंधित निर्णय में बदलाव न करें, बदन दर्द थकान के कारण हो सकता है। आज आपके कारोबार में तेजी रहेगी, दिन भर व्यस्त रहेगी, समय अनुसार कार्य करने में सफल होंगे, परिवार का साथ मिलेगा, विवादों का अंत होगा। दोपहर में मित्रों से मुलाकात हो सकती है। किसी विशेष कार्य के होने से प्रसन्नता मिलेगी। संतान से सहयोग मिलेगा, शुभ समाचार भी मिलेगा। सावधानियां, ध्यान रखें पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की अपमानित स्थिति उत्पन्न ना हो। कभी कभी किसी विषय पर भी गहराई से जानने की इच्छा आपको अपनी विशेष लक्ष्य से भटका सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। प्यार के खेल में हार कर ही प्रेमियों की जीत होती है, क्योंकि इसमें अपने साथी को खुश देखना आपकी प्रसन्नता से भी बढ़कर है। यह समय एक डिवाइन लव में खो जाने और कल्पना का सही प्रयोग करने का है। अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। चाहत और यौन संबंधों में उत्तेजना और जिंदादिली जीवन को स्पाइसी बनाती है और इससे आप खुद को अपने साथी के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बन सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पूरे मन से उसे प्यार करेंगे और कुछ बुरा होगा तो उसे भी सहन कर लेंगे। बात करते हैं करियर की। आज किसी खास संबंध यानी रोमांटिक खेल की संभावना है। आपके कूटनीति और राजनीतिक विचार आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। पैसे में हानि से खुद को प्रभावित न होने दें, क्योंकि आपकी बुद्धिमता आपकी असली संपत्ति है। याद रखें चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। आज किसी बदलाव की संभावना है, लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अच्छे से संभाल लेंगे। घर में किसी परेशानी से सामना हो सकता है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि जो आप आज करते हैं उसका प्रभाव आपके भविष्य में पड़ता है। कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बना ली। शिक्षा संस्था व बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। मेहनत ज्यादा रहेगी। व्यवसायिक प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें, अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है।
बदन दर्द थकान के कारण हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को हरी मूंग चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।